मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 वर्षों की उत्कर्ष राजनीतिक यात्रा की गाथा मोदी एड 20 का विमोचन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं लेकिन वे अंदर से उतने ही संवेदनशील हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ की गई। ब्रिटेन की महारानी के निधन के कारण घोषित राजकीय अवकाश के कारण किसी का स्वागत सत्कार नहीं किया गया। इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं पर तैयार डॉक्यूमेंट्री भी कार्यक्रम में दिखाई गई। उसे पूरे देश ने आत्मसात किया है। उनके कारण खेलने वालों से लेकर झाड़ू लगाने वालों तक में उत्साह है। एक वैज्ञानिक को जब लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिली तो उसे भरोसा होता है कि मोदी का कंधा मेरे साथ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में चुनावी राजनीति में CM और PM के पद पर काम करते हुए अपने 20 साल पूरे किए। किताब में उनकी इसी 20 साल की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। इसकी प्रस्तावना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ने लिखी है। किताब का नाम मोदी एट 20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी है। वहीं अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों ने इस किताब में अपने लेख लिखे हैं। और इंदौर के यहाँ उपस्थित वृद्ध बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम, इंदौर को प्रणाम। मोदी जी जैसे मैंने देखा, और ताई ने बिल्कुल सही कहा, ये पुस्तक किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं है। ये पुस्तक हमारे राष्ट्र को महिमा मंडित करने का काम है, और राष्ट्र की शक्तियों का जो प्रकटीकरण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है उसको देश के सामने रखने का काम है। मोदी जी ने प्रारंभिक रूप से खंडों के बारे में चर्चा की, मैं खंडवार चर्चा नहीं करूंगा। लेखक कितने लब्ध प्रतिष्ठित अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान हैं, ये भी आप सब जानते हैं। जब स्वर कोकिला स्वर्गीय लता जी कहती हैं कि जब उन्होंने भारत की संसद में प्रवेश करने के पहले माथा टेक के प्रणाम किया सारा देश एक अलग भाव से भर गया। ये लता जी ने कहा कि 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने का बल वो बनाने का जुनून था जनता के दिल और दिमाग में, और जब उनने दीनानाथ जी मंगेशकर के कार्यक्रम में की उसकी पूरे देश भर में जा रही कई चीजें हमारी एक्सपोर्ट हो, ये प्रेरणा देने का सामर्थ्य अगर किसी प्रधानमंत्री में देखा तो वो नरेंद्र मोदी। एक के बाद एक कितने अभियान, आपको वो भी ध्यान होगा, पहले पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे मारते थे, हमारा देश उस समय कह देता देखेंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ जब पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा, और दुनिया में जहां जाए वहां मोदी मोदी। अब आप वो देखिए क्या इंस्पायर टाइम कौन सा अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, अब दुनिया के किसी देश के राष्ट्र नेता का इतनी बड़ी रैली के अमेरिका आश्चर्यचकित रह गया, हजारों लोग, वह साधारण व्यक्तित्व है। सचमुच में एक व्यक्ति नहीं संस्था, असाधारण आदमी। और अगर महर्षि अरविंद जी ने कभी एक बात कही थी, सुपर ह्यूमन, उनके हर एक काम है। वो गुजरात के भूकंप के मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, उनके दिल में मैंने तड़पे कि तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आएगा,
भुज अंजार तहस नहस हो गया। और बाद में सिर्फ जहां तक मुझे ध्यान है 1 अक्टूबर को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हम वो भूकंप में तबाह भुज और अंजार देख के आए थे, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते हम भग रहे थे, लेकिन मोदी जी का संकल्प था कि भुज हो अंजार हो या भूकंप में बर्बाद बाकी गांव हो, उनको फिर से खड़े करके दिखाऊंगा, इस मलबे के ढेर से नया भुज खड़ा होगा, नया अंजार खड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंत्री आजकल ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, बेटी स्कूल जाए ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने कन्या केलवनी बनाई, मध्यप्रदेश में हमने फिर लाडली लक्ष्मी बनाई। बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो गया, बेटियां पढ़ने लगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी। उनकी समृद्ध गांव की योजना आप देखिए, जनता को जोड़ने का उनका मन था। उन्होंने तय किया कि अगर गांव में कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई FIR थाने में नहीं लिखी जाएगी, 3 साल तक तो ऐसे गांव समरस गांव कहे जाएंगे और समरस गांव के विकास के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। कई गांव में शांति स्थापित हो गई, सुजलाम सुफलाम मुख्यमंत्री के रूप में योजना बनाई गुजरात की, सुजलाम सुफलाम। पहले की सरकार में PM साहब से मिलने जाता और कोई समस्या उनको बताता था तो वो फैसला नहीं लेते थे, वो कहते थे मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजूंगा, इसको GOM में जाएगा, मंत्रियों का समूह विचार करेगा, फिर फैसला होता था तो कई बार फैसला होता ही नहीं था। और अब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं और मिलने जाने के बाद फोन पे भी अगर बात करते और समस्या बताई तो दूसरे मिनट पे PMO से फोन आ जाता है कि आपके PM साहब से ये बात हुई है, जरा डिटेल दे दीजिए। ये समस्या नहीं, ये कारमबेल की बांध की घटना हुई। अब हम लिपट रहे थे, मैं इंदौर में था, ऐसा गौरव और पुष्पित्र मेरे साथ गाड़ी में, रास्ते में ही फोन आ गया क्या हाल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। संकट के समय डट के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री, संकट आया नहीं कि डट, हिम्मत और हौसला बना। और क्या आप देखिए, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं लेकिन वे अंदर से उतने ही संवेदनशील है। मोदी असाधारण व्यक्तित्व हैं जो गुजरात पीने के पानी के लिए तरस जाता था। उन्होंने गुजरात में भूजल स्तर बढ़ाने का अभियान चलाया। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।